हेलो फ्रेंड्स, आज आपके इस वीडियो लेक्चर में मैं आपसे जिस टॉपिक पर बात करूंगा उसका नाम है सोशल वैल्यूज़। उस टॉपिक से आरपीएससी क्वेश्चन दे सकती है 50 वर्ड्स का। हो सकता है वो उस कंसेप्ट को देने वाले इंडियन सोशियोलॉजिस्ट लेट राधा कमल मुखर्जी को ट्रिब्यूट देना चाहती हो, ठीक है? तो इसलिए क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है। देखिए, क्वेश्चन किसी भी फ्रेम में आ सकता है, अगर हम इसको थोरली समझ लेंगे ना तो हम करने में कैपेबल रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। व्हाट इज सोशल वैल्यूज़? देखिए, इस कंसेप्ट को राधा कमल मुखर्जी ने अपनी बुक द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल वैल्यूज़ एंड डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़ में एक्सप्लेन किया था, ठीक है? दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस टॉपिक को शुरू करूँ, मैं आपको एक कंसेप्ट और समझाना चाहता हूँ, वो है सोशल नॉर्म्स। व्हाट इज सोशल नॉर्म्स एंड व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन सोशल नॉर्म्स एंड सोशल वैल्यूज़? दोस्तों, क्या होता है, जैसे हम समाज में कहते हैं ना कि एक लड़का या लड़की को जब तक वो फिजिकली और मेंटली मैच्योर ना हो जाए, उन्हें सेक्सुअल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसके पीछे कारण ये है कि हो सकता है उनकी मेंटल और फिजिकल जो ग्रोथ है वो हैम्पर कर जाए, उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट आए। तो बेसिकली ये क्या एक तरह का सोशल स्टैंडर्ड है, एक तरह का रूल्स एंड रेगुलेशन है, ठीक है? यानी कि सोशल नॉर्म्स वो रूल्स रेगुलेशन या सोशल स्टैंडर्ड्स हैं जो समाज में या सोसाइटी में हमारे बिहेवियर को गाइड करते हैं, कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं और हमें बताते हैं कि क्या हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। इसे हम कहते हैं सोशल नॉर्म्स, ओके? तो जब इन्हीं सोशल नॉर्म्स को समाज अपनी वैलिडिटी, अपना रिकॉग्नाइजेशन दे देता है ना, या अपनी लेजिटिमेसी दे देता है, तब हम उसे कहते हैं सोशल वैल्यूज़। जैसे कि जो हमारे जो ब्रह्मचर्य आश्रम का जो कंसेप्ट है उसमें कहा गया है ना कि जब आप ब्रह्मचर्य आश्रम में हो तो नॉलेज को एक्वायर करना और सेलिबेसी को प्रैक्टिस करना ही आपकी मेन प्रायोरिटीज़ है। तो ये हमारी सोशल वैल्यू बन जाती है, ओके? तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सोशल नॉर्म्स एंड सोशल वैल्यूज। तो सोशल नॉर्म्स है बेसिकली कुछ नहीं है, सोशल स्टैंडर्ड्स या रूल्स एंड रेगुलेशन है जो सोसाइटी में हमारे बिहेवियर को गाइड करते हैं, कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं, हमें बताते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है। और जब इन्हीं सोशल नॉर्म्स के साथ सोशल लेजिटिमेसी जुड़ जाती है तो ये बन जाते हैं सोशल वैल्यूज। अब बात कर लेते हैं कि व्हाट आर द सोशल वैल्यूज एग्जैक्टली, द कंसेप्ट गिवन बाय लेट राधा कमल मुखर्जी। देखिए, राधा कमल मुखर्जी ने सोशल वैल्यूज़ को किससे डिफाइन किया? उन्होंने कहा कि सोशल वैल्यूज़ आर दोज गोल्स और डिज़ायर्स ऑफ आवर सोसाइटी विच हैव सोशल लेजिटिमेसी और वैलिडिटी एंड दे कैन बी इनकलकेटेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन बाय एन इंडिविजुअल, ठीक है? दिस इज सोशल वैल्यूज़। नेक्स्ट उन्होंने एक्सप्लेन किया कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सोशल वैल्यूज़, सोशल वैल्यूज़ के फीचर्स क्या होते हैं। देखिए, सोशल वैल्यूज़ के साथ हमेशा हमारे इमोशंस जुड़े हुए होते हैं, नंबर एक। नंबर दो, ये कलेक्टिव इन नेचर होते हैं, मतलब इन्हें समाज का एक व्यक्ति नहीं, समाज पूरा मिलकर के इनको बनाएगा। नंबर तीन, दे हैव यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, मतलब पूरा का पूरा समाज इनको एक्सेप्ट करता है, इतने यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस इनको मिला हुआ होता है। नंबर चार, ये समाज में यूनिफॉर्मिटी और स्टेबिलिटी लेकर के आते हैं। नंबर पाँच, दे आर डायनेमिक इन नेचर, मतलब अगर समाज की ऑर्गेनाइजेशन या कल्चर बदलेगा तो सोशल वैल्यूज भी बदल जाएंगे। और नंबर पाँच, दे आर क्वाइट असेंशियल फॉर सोशल वेलफेयर। और नंबर सिक्स, हम ये भी कह सकते हैं दे प्रोवाइड लेजिटिमेसी टू सोशल नॉर्म्स। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ सोशल वैल्यूज, ओके? नेक्स्ट इन्होंने समझाने का प्रयास किया कि व्हाट आर द बेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ सोशल वैल्यूज, कि सोशल वैल्यूज का इमर्जेंस कैसे होता है। तो इसके लिए बेसिकली उन्होंने तीन बेसिस बताए थे, चौथा बेसिस नहीं था, चौथा बेसिस अदर्स में है। तो पहला जो बेसिस है वो इनका एम्स या गोल्स, दूसरा है आइडियोलॉजीज, नंबर तीन है बिलीफ, और नंबर चार है चेंज इन कल्चर। तो देखिए, अब समझते हैं कि एम्स या गोल्स हमारे सोशल वैल्यूज को कैसे बर्थ देते हैं। तो मान लीजिए कोई एस्पिरेंट है, वो सिविल सर्वेंट बनना चाहता है, तो ये उसका एम है, गोल है। अब इस एम या गोल को पूरा करने के लिए उसमें कुछ वैल्यूज आनी चाहिए ना, जैसे कि एम्पैथी, सिंपैथी, टॉलरेंस, कंपैशन, राइट? यानी कि इस तरह से आपका जो एम या गोल है वो सोशल वैल्यूज को बर्थ देता है। नेक्स्ट है आइडियोलॉजीज, दोस्तों आइडियोलॉजीज भी मैटर बर्थ देती है। जैसे मान लीजिए मैं सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता हूँ, तो मेरे अंदर क्या वैल्यू हो जाएगी कि मैं सोशल इक्वलिटी की बात करूंगा, मैं हमेशा सोशल वेलफेयर की बात करूंगा। मान लीजिए अगर मैं मार्क्सिज्म आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता हूँ तो मैं रेडिकलाइजेशन को सपोर्ट करूंगा, वायलेंस को सपोर्ट करूंगा। और अगर मैं कैपिटलिस्टिक आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता हूँ तो मेरे अंदर क्या वैल्यूज आ जाएंगी कि मैं प्रॉफिट ओरिएंटेड हो जाऊंगा, ठीक है? समाज में चाहे गरीबी गरीब गरीब होता जाए या अमीर अमीर होता जाए, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे अपना प्रॉफिट देखना है। दिस इज कैपिटलिस्टिक आइडियोलॉजी, राइट? नेक्स्ट, बिलीफ कैसे सोशल वैल्यूज को जन्म देता है। दोस्तों मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो बहुत धार्मिक है, बहुत रिलीजियस नेचर का है, तो हमेशा वो सुपरस्टिशन से
ग्रसित रहेगा, वो हमेशा भगवान से डरता रहेगा या मंदिरों में अपना पैसा दान करता रहेगा, ठीक है, तो यही उसकी सोशल वैल्यूज बन जाएंगी, राइट। अगर मान लीजिए मैं मानता हूँ, जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा भी है कि नर सेवा ही नारायण सेवा है, मानवता की सेवा ही भगवान की सेवा है, तो मैं क्या करूँगा, मेरे अंदर सेक्युलर थिंकिंग आ जाएगी, मैं अनाथालयों में अस्पतालों में अपना पैसा डोनेट करूंगा, मैं गरीबों को खाना खिलाऊंगा, मेरे अंदर कंपैशन आएगा, एम्पैथी आएगी, सिंपैथी आएगी मेरे अंदर। दोस्तों कबीर दास जी ने कितनी अच्छी बात कही ना दोहे अपने दोहे में कि पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, या से तो चाकी भली पीसत खाए संसार। देखिए कबीरदास जी ने इस दोहे में सारी बात समझा दी, आपकी बिलीफ आपकी किस तरह आपके सोशल वैल्यूज को जन्म दे सकती हैं। एंड नेक्स्ट है चेंज इन कल्चर। दोस्तों वाकई में देखिए एक वक्त था जब कहते थे कि भाई शादी से पहले लड़का लड़की सेक्सुअल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश ना करें, लेकिन आज हमारी सोसाइटी में लिव इन रिलेशनशिप का कंसेप्ट आ चुका है, लोग उसको एक्सेप्ट भी करते हैं, राइट। तो हमारी वैल्यूज बदल गई हैं, ठीक है। इसके अलावा अब ये भी देखिए, मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है वो 10 साल तक अमेरिका या लंदन में रह करके आ गया, वो NRI हो गया, और जब वो वापस इंडिया आएगा तो जब वो अपने रिलेटिव से मिलेगा तो वो उसे नमस्ते नहीं करेगा, उनसे अपने गाल से गाल टकराएगा, इसकी तो उसे कल्चर में उसकी वैल्यूज बदल चुकी है। जब कल्चर बदलेगा तो वैल्यूज भी आपकी बदल जाती है और नई वैल्यूज जन्म लेती हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं लेवल या हायरार्की ऑफ सोशल वैल्यूज। देखिए सोशल वैल्यूज के लेवल या हायरार्की को राधा कमल मुखर्जी ने बताया था कि जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन का जो लेवल है वही इनकी हायरार्की को डिसाइड करता है। जैसे मोब, पहला लेवल है इनका मोब, मोब मतलब दोस्तों भीड़, कहते हैं ना भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, और आजकल मॉब लिंचिंग की घटनाएं बहुत हो रही है ना, जो मॉब लिंचिंग जो होता है उसमें बेसिकली जो मॉब लिंचिंग करने वाले जो भीड़ है उसकी क्या वैल्यू है, उनमें एनिमल इंस्टिंक्ट है, मतलब जानवर है वो लोग, बर्बर है, मानवता का बलात्कार करते हैं, कोई नैतिकता नहीं है, कोई उनके एथिक्स नहीं होते हैं उन लोगों के, तो ये लोग वैल्यूलेस हैं, कोई वैल्यू नहीं है इनकी। तो सबसे निकृष्ट जिसे बोलते हैं ना गिरा हुआ लोवेस्ट इंफीरियर, वो है मॉब लेवल। नेक्स्ट है प्रेशर ग्रुप। प्रेशर ग्रुप तो वो होते हैं दोस्तों जो अपनी सेल्फिश डिजायर्स को पूरा करने के लिए सिस्टम पर प्रेशर डालते हैं, चाहे वो आपके पॉलिटिकल पार्टीज हो, चाहे वो ट्रेड यूनियन हो, चाहे लेबर यूनियन हो, ये सब क्या कहते हैं प्रेशर ग्रुप्स। नेक्स्ट है कम्युनिटी। कम्युनिटी दोस्तों जो ये थोड़ा अच्छे सेंस में लेवल है, ये इससे ऊपर नंबर 3 पे लेवल है, ये क्या कहता है कि इसके अंदर है ना सोशल इक्वलिटी की भावना होती है, या इसमें एथिक्स आ जाते हैं, इनमें नैतिकता पाई जाती है, तो ये इन दोनों से बेटर होता है कम्युनिटी, कम्युनिटी लेवल। नेक्स्ट है कलेक्टिविटी। कलेक्टिविटी सबसे बेस्ट लेवल होता है सोशल वैल्यूज का, क्यों, क्योंकि इनके अंदर देखिए सोशल इक्वलिटी है, मॉरलिटी है, एथिक्स है, इसके साथ साथ ब्रदरहुड का कंसेप्ट है, ये वसुधैव कुटुंबकम और ग्लोबल विलेज जैसे कंसेप्ट में बिलीव करते हैं, रैशनल थिंकिंग और सेकुलर थिंकिंग में बिलीव करते हैं, दैट्स वाई कलेक्टिविटी इज द बेस्ट लेवल ऑफ सोशल वैल्यूज। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सोशल वैल्यूज। राधा कमल मुखर्जी ने सोशल वैल्यूज के 5 टाइप्स बताए थे। सबसे पहला टाइप है इनका इमीडिएट सोशल वैल्यूज। इमीडिएट सोशल वैल्यूज वो सोशल वैल्यूज है जिनको समाज की तुरंत जरूरत है, तुरंत इसकी इसकी आवश्यकता है। दोस्तों कैसे इसको समझते हैं, दोस्तों इस वक्त क्या हो रहा है कि हमारे समाज में है ना, हम महिलाओं और छोटे बच्चों के साथ जो कुछ लोग हैं डिस्टोर्टेड मेंटेलिटी के जो लोग हैं ना, वो लगातार उनको सेक्सुअल हरेसमेंट कर रहे हैं, वो भूल गए हैं ना, और हमारा प्राचीन सोशल वैल्यू था ना कि यत्र नरस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, राइट। तो ये बात आज उनको सिखाने की जरूरत है, जो वुमन डिग्निटी का आपको रिस्पेक्ट देना है, आज जो जो वुमन की मोलेस्टेशन सेक्सुअल हरेसमेंट जो हो रहा है इनके साथ वो क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो वैल्यूज हैं वो पहली हमारे जो वैल्यूज थी ना वो खत्म हो चुके हैं, तो आज जरूरत है दोबारा उनको रिस्टोर करने की। तो इस समाज की इमीडिएट रिक्वायरमेंट है कि वुमेन की जो डिग्निटी है आप उसकी रिस्पेक्ट करें, ठीक है, उसका एनकरेजमेंट ना करें। नेक्स्ट है स्पेशल सोशल वैल्यूज। तो सर ये वो सोशल वैल्यूज हैं जो सोसाइटी की स्पेशल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती हैं, जैसे कि देखिए हमारे राजस्थान की आबो हवा में जातिवाद बहुत ही गहरा समाया हुआ है ना, कास्टिज्म का मुद्दा। सो अगर हम ये कास्टिज्म के ऊपर चिपके रहेंगे ना तो अल्टीमेटली क्या होगा, इससे हमारी समाज में सोशल डिसहारमोनी पैदा होगी, हमारी जो नेशनल इंटीग्रिटी है उसको खतरा पैदा होगा, राइट। अगर हम इस कास्टिज्म की जगह क्लास कॉन्शियसनेस या क्लास कॉन्शियसनेस ओरिएंटेड अगर हम हो जाएं तो इससे हमारे देश को भला होगा, हमारी जो डेमोक्रेसी है वो ग्रोथ करेगी, हमारा नेशनल ग्रोथ करेगा। नाउ व्हाट इज क्लास कॉन्शियसनेस। क्लास कॉन्शियसनेस का मतलब दोस्तों ये होता है कि जब किसी भी जाति या वर्ण का कोई व्यक्ति किसी अच्छे रेस्पॉन्सिबल पद पर पहुंचता है या किसी अति अच्छे प्रतिष्ठित पद पर पहुंचता है, समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, तो उसके जाति और वर्ण के लोग तो उसे प्रेरित होते ही होते हैं, साथ में दूसरे जाति और वर्ण के लोगों को भी उससे प्रेरित होना चाहिए, बजाय नुक्ताचीनी या मीन बेक निकालने के। क्योंकि
ठीक है, आप भी वहां तक पहुंचने का प्रयास करो। देखिए जब ये भावना आ जाती है तो फिर से प्रेरणा मिलती है, और अल्टीमेटली लोग लाइफ में प्रोग्रेसिव थिंकिंग आती है, और इस तरह से आपका नेशन ग्रोथ करता है, हमारी नेशनल जो इंटीग्रिटी है उसको खतरा पैदा नहीं होता है। तो अगर हम आज जरूरत है कि हम कास्ट कॉन्शियस ना होकर क्लास कॉन्शियस हो जाएं, तो शायद हम नेशन ग्रोथ में अपना रोल प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट है इनहेरिटेंट इनहेरिटेंट सोशल वैल्यूज। ये क्या होती है दोस्तों? जैसे कि दिल्ली NCR, वेस्टर्न यूपी, हरियाणा और नॉर्थन राजस्थान के अंदर जो खाप पंचायत है ना, उनके लिए जो उनकी जो ऑर्थोडॉक्स जो मैंटेलिटी है ना, वही उनकी सोशल वैल्यूज है। ठीक है, चाहे मानवता की हत्या हो जाए, लेकिन हमारी जाति, हमारी वैल्यू, ये निमटनी नहीं चाहिए, है ना, ये उनकी भावना होती है ना। तो ये इनहेरिटेंट सोशल वैल्यूज हैं, वो अपना वंशानुगत हक समझते हैं लोगों के जीवन के ऊपर। गलत है ना ये। नेक्स्ट है आइडियोलॉजिकल आइडियोलॉजिकल सोशल वैल्यू। सेम यहाँ से आप जो मैंने भी आइडियोलॉजी कंसेप्ट समझाया था, यहाँ से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट है यूनिवर्सल। जो यूनिवर्सल सोशल वैल्यूज होती है ना दोस्तों, ये यूनिवर्सल इसलिए होती है क्योंकि ये टाइम, स्पेस और सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है। चाहे आप कहीं भी चले जाइए, वो सोसाइटीज को एक्सेप्ट करेगी। जैसे कि हमारी फॉरेन पॉलिसी कंसेप्ट है ना, पीसफुल को एक्सिस्टेंस, जो पंचशील का सिद्धांत है हमारी विदेश नीति का, हम बात करते हैं भाई पीसफुल को एक्सिस्टेंस रहें, को एक्सिस्टेंस ना, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, सभी लोग इस तरीके से रहें। तो हर देश का समाज इस बात को मानता है, कोई इसको नकार नहीं सकता। तो ये क्या है? यूनिवर्सल सोशल वैल्यूज। तो ये कुछ टाइप्स हैं सोशल वैल्यूज के जो राधा कमल मुखर्जी ने दिए थे। एग्जाम में अगर एलोबेट करने को कहेगा तो एलोबेट हम कर सकते हैं, अदरवाइज इन्हीं पॉइंट्स को मेंशन करवाया गया तो हम इन्हीं पॉइंट को मेंशन कर सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि व्हाट आर द रूल्स ऑफ सोशल वैल्यूज। उन्होंने कुछ सोशल वैल्यूज के रूल्स बताए थे कि सोशल वैल्यूज काम कैसे करती है। देखिए उन्होंने कहा था कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर दो सोशल वैल्यूज हैं और दोनों सोशल वैल्यूज में द्वंद चल रहा है, कंफ्लिक्ट पैदा हो रहा है, तो उस व्यक्ति के आदर्श डिसाइड करेंगे कि उसे कौन सा वैल्यू सेलेक्ट करना चाहिए, कौन सा वैल्यू उसके लिए बेस्ट है। तो मान लीजिए मैं एक ऐसे मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मा हूँ जहाँ पे हम बात करते हैं गरीबों के कल्याण की, हमारे ये आदर्श है कि हम गरीबों की सुने, पर्यावरण की रक्षा करें, ठीक है, सोशल वेलफेयर करें, ये मेरे आदर्श रहे। अब मान लीजिए मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया, और चूंकि अगर मैं बिजनेसमैन बन गया तो प्रॉफिट कमाना भी मेरी वैल्यू है, ठीक है। वही सरकार मुझ पर कह रही है कि आप CSR का कंसेप्ट लाएं, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लेकर के आए, अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा समाज कल्याण में और पर्यावरण की रक्षा के लिए खर्च करें, ठीक है। अब देखिए मेरी दोनों वैल्यूज में कॉन्फ्लिक्ट है, मैं क्या करूँ? मैं CSR कंसेप्ट को अपनाऊँ या मैं अपने प्रॉफिट को अपनाऊँ? तो देखिए मेरा जो आदर्श थे ना कि गरीबों की सेवा करना, समाज कल्याण करना, पर्यावरण की रक्षा करना, वो मुझे हेल्प करेंगे कि भाई नहीं, मुझे CSR को भी अपनाना है, ये मेरी बेस्ट वैल्यू रहेगी, ठीक है। तो यानी कि जब आपके अंदर दो वैल्यूज के बीच में कन्फ्लिक्ट होता है तो आपके आदर्श डिसाइड करते हैं कि आपको कौन सी वैल्यू सेलेक्ट करनी है, कौन सी सेलेक्ट नहीं करनी है। ओके नेक्स्ट इसमें ये आता है सेकंड पॉइंट कि कोई भी व्यक्ति सोशल वैल्यूज को है ना अपनी इंटेलेक्चुअल लेवल, अपनी हैबिट और अपनी आवश्यकता के अनुसार चुनता है, ठीक है। नंबर तीसरा वो ये कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति की फंडामेंटल सोशल वैल्यू फुलफिल हो जाती है ना, तो वो व्यक्ति अपने न्यू गोल्स और न्यू डिजायर सेट करता है या कल्चर में चेंज लाता है, और जिससे उसकी नई सोशल वैल्यूज का जन्म होता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो बहुत गरीब है, ठीक है, तो उसको भी क्या चाहिए कि मेरे उसको दो वक्त की रोटी चाहिए, उसको फिजिकल सिक्योरिटी चाहिए, सोशल सिक्योरिटी चाहिए, तो उसको वो उसको लाना ही उसके लिए सब कुछ है। हो सकता है उसके लिए चोरी भी कर ले, लेकिन जब ये चीज़ें उसकी पूरी हो जाएंगी ना, तो अब वो सोचेगा कि समाज में मैं ना बहुत प्रतिष्ठित सामाजिक नागरिक बन जाऊँ, समाज में मेरी प्रतिष्ठा हो, लोग मेरी इज्जत करें, तो वो क्या करेगा? दान पुण्य करेगा, ठीक है। तो ये अब ये उसकी सोशल वैल्यूज बन जाएगी। उसका नया गोल, जो नया गोल था कि समाज में मुझे प्रतिष्ठा मिले, इज्जत मिले, मान मिले, सम्मान मिले, तो देखिए उसने दान पुण्य करना शुरू कर दिया, गरीबों की सेवा उसने अब करनी शुरू कर दी। तो जो आपकी नई डिजायर्स हैं, गोल्स हैं, वो सोशल वैल्यूज को इस तरह बर्थ देती हैं। और नेक्स्ट, जब कल्चर में या आपके सोशल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके एनवायरनमेंट में चेंज होता है, चेंजेस आता है, तो आपके सोशल वैल्यूज में भी चेंज आ जाता है। सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ सोशल वैल्यूज गिवन बाय लेट राधा कमल मुखर्जी। हो सकता है एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ जाए, और बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज है। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।